हेलो बच्चों, गंगवार ईआरडीआर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अगर आप नीट 2023 की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए फ्रेशर्स और रिपीटर्स दोनों के लिए बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं। फ्रेशर्स के लिए एकदम नया बैच स्टार्ट हुआ है और ये मॉर्निंग का लास्ट बैच है, गामा बैच। इसमें करीब 3 क्लासेस आपकी हो चुकी बेटा, और इस बैच को आप जितनी जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना ही आपका बेनिफिट होगा। क्योंकि अगर आप देखें तो नीट के एग्ज़ाम से करीब करीब 50 दिन का टाइम निकल चुका है आपका, ऑलरेडी 50 दिन आप पीछे हो चुके हैं। तो अब और किस चीज़ का आप इंतज़ार करें? बहुत सारे बच्चे अब आंसर की भी आ चुकी है, पता है कि सिलेक्शन नहीं होना, उसके बाद भी अपनी तैयारी शुरू नहीं करें, टाइम किल करें, रिजल्ट आ जाए, काउंसलिंग हो जाए, देख लेते। क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ आपको मिलेंगे कि कट ऑफ नीचे जा रहा है, 500 नंबर पर मिल जाएगा, 550 पर मिल जाएगा। नहीं, 590 से अगर कम स्कोर है आपका तो आपको अपनी पढ़ाई बहुत जल्दी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ड्रॉपर्स के लिए, रिपीटर्स के लिए संकल्प बैच स्टार्ट हो चुका है, उस बैच को आप ज्वाइन कर लीजिए। उसकी टाइमिंग दोपहर में 2 बजे से शाम को 7 बजे तक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों की क्लासेज होती हैं। जो गामा बैच मैंने बताया मॉर्निंग में स्टार्ट हुआ बेटा, ये जल्दी ही बैच स्टार्ट हुआ, अभी 2-3 क्लासेस में हो चुकी हैं। इस बैच की टाइमिंग मॉर्निंग में 8 बजे से दोपहर में 1:30 बजे तक है। सभी में डेली बेसिस पर आपकी जो क्लासेस होते हैं, संडे को तो टेस्ट होते हैं, बाकी मंडे टू सैटरडे जो क्लासेस होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों की क्लासेस बेटा होती हैं मंडे टू सैटरडे। 1 घंटे 30 मिनट की आपकी क्लास होती है, उसके बाद डाउट सेशन आपके होते हैं, टीचर से अपने डाउट आप पूछ सकते हैं, एक गैप आपको बीच में दिया जाता है। जैसे गामा बैच की बात करें जिसकी शुरुआत अभी हाल ही में हुई है, तो ये मॉर्निंग का बैच है बेटा और मॉर्निंग का सबसे लास्ट बैच है। अगर मॉर्निंग में आप क्लासेस करना चाहते हैं तो इसके बाद अब और कोई भी बैच नहीं, तो इस बैच को आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि ये बैच फुल होने वाला है। तो इस बैच की में 8 बजे से पहली क्लास होती है, पहली क्लास 8 बजे से 9:30 तक, फिर आधे घंटे का एक ब्रेक होता है जिसमें अपने डाउट अपने टीचर से पूछ लीजिए। दूसरी क्लास 10 बजे से 11:30 बजे तक होती है, फिर आधे घंटे का गैप होता है, और तीसरी क्लास हो जाएगी आपकी 12 से 1:30 बजे के बीच में, डाउट पूछ के अपने रूम पे आप जा सकते हैं। लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ भी हैं जहाँ पर आप बैठ के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। क्लास ओवर होने के बाद अगर आप चाहें तो लाइब्रेरी में बैठ के शाम को 7 बजे तक वहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। AC लगा हुआ है, टीचर डाउट के लिए बैठे रहते हैं, जो भी डाउट आप हों टीचर से अपने पूछ सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको भी साथ में मिल रही हैं। जिन बच्चों का स्कोर करीब 350 है, उनके लिए एक अलग ही बैच बना दिया गया है, ड्रॉपर्स के लिए संकल्प बैच। और संकल्प बैच हमने जब 2018-19 में लॉन्च किया था फर्स्ट टाइम, उसके बाद तो कोविड उविड रहा तो उस बैच को फिर से हम नहीं, लेकिन जब उस बैच को लॉन्च किया गया था 27 में से 24 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। अभी हमारा टारगेट ये है कि संकल्प बैच में जिन 100 बच्चों को हम ले रहे हैं, 100 के 100 बच्चे सेलेक्ट हों। अब इसमें करीब 70 स्टूडेंट इस समय इनरोल हो चुके हैं और एकदम ह्यूज रिस्पॉन्स है, मतलब ज़बरदस्त तरीके से। नॉर्मल बैचेस में जो टॉपिक हम पढ़ते हैं 3 लेक्चर में, संकल्प बैच में 2 लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो संकल्प बैच में स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रहती है क्योंकि इन बच्चों ने सब कुछ पढ़ रखा है, मेनली रिवीजन पे हम फोकस करते हैं, पूछते हैं क्वेश्चन, हम टेक्स्ट प्रैक्टिस पे फोकस करते हैं। अभी कल इन बच्चों का एक टेस्ट हो चुका है। संकल्प बैच में आपका जो टेस्ट है वीकली होगा, बाकी बैचेज में जो टेस्ट है वो हर 14 डेज पर चल रहे हैं। तो संकल्प बैच उन बच्चों के लिए स्पेशली बनाया गया है जो बच्चे तैयारी कर चुके हैं, जिनके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, जिनको पता है कि पिछले साल उन्होंने गंगवारी आडियर इंस्टीट्यूट में ही पढ़ाई की थी, तो उनको पता है कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, बस रिकॉल करना, कहाँ पे गलतियाँ उनसे हुई बस उनको रिकॉल करना है। आज भी जब मैंने बच्चों को पढ़ाया तो मैंने कहा कि देखो नीट 2022 का जो री एग्ज़ाम का पेपर हुआ, करेंटली जो आप पढ़ रहे हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो ये 2 बैच बेटा आपके फाइनली स्टार्ट हो चुके हैं। संकल्प बैच एक ही रहेगा, इसमें कोई नया बैच नहीं आएगा ड्रॉपर्स के लिए। फ्रेशर्स के लिए जो मैंने आपको बताया है ये गामा बैच मॉर्निंग का लास्ट बैच है, और एक इवनिंग का लास्ट बैच और चलेगा। इसमें जो फ्रेशर्स या ड्रॉपर्स है सारे बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। इसकी शुरुआत होने वाली है 12th of September से, 12 सितंबर से इसकी शुरुआत होने वाली, यानी नीट का रिजल्ट आने के बाद में इस बैच की शुरुआत हो जाएगी। और इस बैच की जो टाइमिंग रहेगी ये 2 से लेकर 7 बजे के बीच में रहेगी, शाम को क्लासेस चलेंगी। मॉर्निंग का अब कोई भी नया बैच बच्चों स्टार्ट नहीं होना, तो अगर आप मॉर्निंग में क्लासेस करना चाहते हैं तो एक लास्ट बैच है गामा बैच, इसके बाद मॉर्निंग का कोई बैच नहीं है। इवनिंग का केवल एक आखिरी बैच स्टार्ट होना है नीट के रिजल्ट के बाद में 12th of September से। कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, उसका आंसर हम करेंगे। जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी बेटा स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपका स्कोर 5
90 से कम है जनरल ओबीसी कैटेगरी में आप आते हैं, अपनी तैयारी जरूर स्टार्ट कर दीजिए। बाकी अलग अलग कैटेगरीज के लिए वीडियोस मैंने बना दिए हैं कि किस कैटेगरी में कितने स्कोर पे एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगा। उससे कम स्कोर आपका आ रहा है तो आपको अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। मान लीजिए 585 पे कॉलेज मिल गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने तैयारी शुरू कर दी और कॉलेज नहीं मिल पाए तो कम से कम ये तो नहीं होगा कि आपका टाइम वेस्ट हुआ। मान लीजिए आपका 580 और आप इंतज़ार करें कि प्राइवेट कॉलेज जुड़ जाएंगे तो हमें एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन केस मान लीजिए प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है उसमें ट्यूशन फी गवर्नमेंट ने रेगुलेट कर दी, लेकिन हॉस्टल की जो फी है अगर कॉलेज ने इतनी रख दी, 10 लाख रुपए रख दी, तो क्या करोगे आप? तो इसलिए अगर आपका स्कोर आपको लग रहा है कि इतना नहीं है कि आपको कॉलेज मिल सकता है, तो प्लीज़ अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। पढ़ाई आपने स्टार्ट कर दी, कॉलेज आपको मिल गया, तो कोई नुकसान तो हुआ नहीं पढ़ने का। लेकिन आपने पढ़ाई भी नहीं की, 1-2 महीने काउंसलिंग आपने कराई, कॉलेज भी नहीं मिला, तो 1-2 महीने का टाइम भी आपका वेस्ट हो गया और साथ ही साथ कॉलेज भी आपको अलॉट नहीं हुआ, तो इसलिए दोनों चीज़ों का आपको लॉस होगा। तो आप ये काम कर सकते हैं कि अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, कॉलेज मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना कम से कम ये तो नहीं होगा कि हमने पढ़ाई भी नहीं की, टाइम बीत गया, करीब 1.5 महीने से ज़्यादा टाइम ऑलरेडी आपका लॉस हो चुका है। तो जल्दी से जल्दी अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें, बेस्ट ऑफ।